नमस्कार हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। हम सालबेट के सीडीपीओ कार्यालय में मौजूद हैं। हम बता दें आपको कि यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी बैठते हैं प्रीति भिलवारे। विगत दिनों पहले जो हम बता रहे हैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, द्रौपदी जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उनसे खुद मिलते हैं कि वो वीडियो कब बनवाया गया, कैसे बनवाया गया, कैसे वायरल किया गया, क्या सचमुच वो वीडियो बनवाया गया था या झांसा देकर बनवाया गया था या कोई मजाक था। इस पूरी पड़ताल के लिए हम खुद यहाँ पर मौजूद है द्रौपदी के पास। द्रौपदी जी, जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आपके सीडीपीओ पैसा मांगती है और उसमें आप दिख रही हैं, क्या वो वीडियो पुराना है क्या अभी का है? नहीं मैडम, कुछ नहीं मांगती है, वो तो मधु चौहान मुख्य सेब का है सुपरवाइजर हमारे साथ में बोले। अब हम तुम्हारा ऐसी मजाक में बैठी थी बगल में, बोले हम तुम्हारा वीडियो बनाने रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा मान लो सामने गिनती है, बोले हम अपने पैसा गिन रहे थे और किसी के नहीं लेता है। मान लो वीडियो कितना पुराना है? वीडियो है एक दो साल पुराना है। वीडियो अभी क्यों वायरल? अभी उनकी यहाँ से बोली तुमसे मैडम लड़ती नहीं है, हमसे मैडम लड़ रही है, इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ करवाएंगे कार्रवाई। जो वीडियो बनाया गया था वो दो साल पुराना है, तो किसने बनाया था वो वीडियो बताया कुछ? मधु चौहान ने बनाया था। तो मजाक में बनाया था कि सीरियस? मजाक में कह रहे थे आपको वीडियो बना रहे हैं सर, कह रहे थे नहीं है हमारे पास कभी, और अभी तक जो रखे रहे अभी की मैडम से खुरापात हुई तो इनने हमारा नहीं करेंगे। वीडियो को वायरल उन्होंने किया? कह रहे हमारे कर में रहो तुम, हमारे पास रहो, दबाव डाल रही कि इन्हें इतने से हटवा दे मैडम को, मैडम हमारे खिलाफ लिखा पड़ी कर रही, तुम्हारे खिलाफ नहीं करें तो हम तुम्हें फंसवाएंगे। आपने वीडियो अभी दूसरी बार बना के डाला है कि जो वीडियो था वो झूठा है, मतलब किसी तरह से बनाया गया धोखे से? तो वो हमसे धोखाधड़ी कल बोली कि रवि रावत और मधु चौहान और एक कोई और व्यक्ति है, तो बोले तुम लोग तहसील में आओ, तो हमने कि तहसील में काय के लिए कल बुलाया था, तो बोले तहसील में आओ और हम तुम्हें बचा लेंगे ना तो मैडम तुम्हें फंसा देंगी, तो हमने कि काय में फंसा देंगी मैडम को, मैं कहा है वो बोले नहीं यहाँ आओ, हम जो लिखवा सो वो लिखो तुम और मैडम को यहाँ से हटाने हैं, और हम बोल रहे मोबाइल लगा के सामने बोले हम बोल रहे जो जो हम कहेंगे वो तुम काट जाओ, वो कहते जाओ वीडियो। हम बता रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी वहाँ सब मौजूद है, तो जो वीडियो वायरल हो रहा था उस पर क्या कहेंगे? जो वीडियो वायरल हो रहा था उस पर क्या कहेंगे? ये वीडियो पूर्ण गलत है, हमारी मैडम कभी किसी से कोई लेन देन नहीं करती, न कभी आज तक उन्होंने पैसे का लेन देन किया है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्ण गलत है। वीडियो पुराना बनाया है? दो साल पुराना वीडियो है, बार आना है। लड़की किसी को पैसा नहीं देंगी, मैडम हर बार समझाती हूँ, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है दो साल पहले का है, अभी का नहीं है। मधु मैडम इनका बहुत विरोध कर रही हूँ, मैडम से मैडम को गलत आरोप लगा दबाव बना रहे जी जी। तो जो पैसे वाली बात आई सर, ये तो हम लोग फ्री करनी पड़ती है तो हम लोग कर नहीं पाते, इसलिए हम लोग दीदी लोग से करवाते हैं, जो फ्री वाला पैसे की बात है तो लेन देन नहीं है, नहीं है। हम मैडम नियुक्ति के बारे में मैडम ने कहा था किसी के बंद मतलब रहना नहीं, दबाव है ना पैसे देना, नंबर एक का काम होगा गोपति, नंबर दो का काम होगा नहीं, किसी को मुझे नाना पत्नी कहीं जगह फंसना। साफ साफ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है इनका कहना है कि जो जी पूरा गलत है, किसी के दबाव से यह पत्र नहीं लिखा जा रहा है, स्वयं हम लोग लिख रहे हैं। हाँ हम सभी आंगनबाड़ी ये पत्र लिख रही हैं और इसमें साफ तौर पर कह रही हैं कि सीडीपीओ प्रीति भिलवारे को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है और ये जरूरत पड़ी तो जिला मुख्यालय पर जाएंगी और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है इसके खिलाफ ये अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो मुख्य से कहा है द्रौपदी, इनको कहीं ना कहीं ये मोहरा बनाया जा रहा है और इनके द्वारा कहीं ना कहीं सीडीपीओ प्रीति भिलवारे पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का अपना निजी स्वार्थ सिद्ध न होने के चलते कहीं ये चाल तो नहीं है, हालांकि ये जांच का विषय है, देखना है आगे क्या निकल के आता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो ये वीडियो जिनका वायरल हुआ था द्रौपदी का, वो खुद हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने साफ कहा है कि हमें झांसे में लेकर बनवाया गया था और वो दो साल पुराना वीडियो है, आज का वीडियो भी नहीं है, कहीं निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं होने के कारण इस वीडियो को वायरल किया गया।